वेलकम टू किंगज। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है बजरी के ऊपर, बजरी तोतों की हम फार्मिंग किस तरह कर सकते हैं, घर में बजरी तोतों को हम किस तरह पाल सकते हैं। आप ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, जगह लेके आप बड़े पैमाने पर भी ये कर सकते हैं और घर में आप छोटे पैमाने पर भी ये कर सकते हैं। इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या मालूम आपको इसमें लेनी पड़ेंगी, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और आप ये ख़वातीन भी जो है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन भी ये काम कर सकती हैं। ऑनलाइन ही सेल हो जाता है आजकल, तो आपको कहीं जा के बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आके ले जाएंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और बहुत से लोग इस बिज़नेस को शुरू कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपको कम्प्लीट डिटेल बताता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों बहुत से लोग उसको शौक में रखते हैं, आपने भी शायद कभी ना कभी रखा होगा ऑस्ट्रेलियन पैरट, बजरी पैरट्स को, बट इसको एज अ साइड बिजनेस हम लेके नहीं चलते। और ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है जिसके अंदर बहुत अच्छी इनकम है। और बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें मुनाफा नहीं होता, तो देखिए एक बात को समझिए, आपके क्यों मुनाफा नहीं होता, आपको क्यों नहीं होता और बाकी जो ब्रीडर हज़रात हैं जो पालते हैं तोते, उनको कैसे मुनाफा हो जाता है? देखिए वो कोई रॉकेट साइंस नहीं करते, आपने भी कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, मगर कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रख लें तो आप इनसे बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों इनकी ब्रीडिंग की बात की जाए तो ये एक वक्त में तकरीबन 5 से 6 बच्चे कम से कम देते हैं। अब बात करते हैं कि साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करते हैं। दोस्तों मज़े की बात यह है कि ये पूरा साल ब्रीड करते हैं और इनके ब्रीडिंग का जो साइकिल होता है वो 2 महीने से 2.25 महीने तक का होता है। यानी अभी इन्होंने बच्चे दिए और वो बच्चे भी बड़े होके आप उनको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, अभी 2-3 बच्चे होंगे वो दोबारा से अंडों पर बैठे हुए होंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर इस पेयर को भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा इसमें नीचे है, एक बच्चा ये ऊपर बैठा हुआ है, अभी ये सेपरेट होने के लिए तैयार है ये वाला बच्चा। तो बाकी बच्चे जो है वो सेपरेट मैंने कर दिए हैं, अभी 2 बच्चे केज के अंदर ही हैं। और अब मैं आपको मटकी के अंदर भी दिखा देता हूं। ये देखिए मटकी के अंदर 5 अंडे मौजूद हैं और मादी जो है वो उसको हैचिंग स्टार्ट मादी ने कर दी है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी ब्रीडिंग का साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि बहुत तेज़ है और ये बहुत तेज़ी से जो है वो बच्चों को पालते हैं। यानी हर पेयर 2.25 महीने बाद आपको 6 बच्चे देता है। अब बात करते हैं कि इसमें पैसा कितना बनता है। देखिए दोस्तों इनके पट्टों का एक पेयर, इनके बच्चों का एक पेयर 500 रुपये का सेल आउट होता है, तो एक पेयर आपको 2 महीने में तकरीबन 1500 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आप 12 पेयर लगाते हैं और हर पेयर आपको 2 महीने में 6 बच्चों का प्रॉफिट देता है, इसका मतलब 12 पेयर आपको हर 2 महीने में 72 बच्चों का प्रॉफिट दे रहे हैं। और एक पेयर की कीमत 500 रुपये के हिसाब से भी लगाई जाए तो 72 बच्चों के आपके बनते हैं 18,000 रुपये। मगर अभी तो हमने इनका एक्सपेंस भी लगाना है, तो अभी हमने ये देखना है कि हमारे एक पेयर के ऊपर कितना खर्चा आता है। दोस्तों एक ब्रीडर पेयर बच्चों समेत 1 महीने में 1 किलो दाना खाता है और इनकी मिक्स सीड के 1 किलो के रेट हैं 90 रुपये। 10 रुपये इसमें और ऐड कर लीजिए मल्टी विटामिन, कैल्शियम और मेडिसिन के, और तकरीबन 40 रुपये लगा लीजिए आप सॉफ्ट फूड के। देखिए दोस्तों सॉफ्ट फूड इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं देंगे तो फिर आपको प्रोडक्शन उतनी नहीं मिलेगी, आपके बर्ड्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, 150 रुपये, यानी 2 महीने का इनका जो एक्सपेंस आता है एक पेयर का वो 300 रुपये आता है टोटल। तो 12 पेयर का एक्सपेंस हो गया 3600 रुपये और आप इनको 18,000 रुपये में से निकालते हैं तो आपको पीछे तकरीबन 14,400 रुपये बच जाते हैं, जो कि सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, सिर्फ 12 पेयर से आप सारे एक्सपेंस निकाल के 14,500 की आमदनी कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको कॉमन बजरीज का बताया है, अगर स्पेंगल होते हैं, रेड आइज होते हैं या रेम्बो होते हैं तो फिर उनका पट्टों का पेयर 200-300 रुपये ज़्यादा बिकता है। अब आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, अब मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता और वो अपना सारा प्रॉफिट गंवा देते हैं। दोस्तों पहली बात आपने ये नोट कर लेनी है कि आपने ब्रीडर पेयर नहीं लेना, क्योंकि ब्रीडर पेयर में कुछ श्योरिटी नहीं होती कि वो कितना चला हुआ है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जब उनके पास प्रोडक्शन अच्छी नहीं आ रही होती तो वो अपने पेयर को चेंज करते हैं और अपने ब्रीडर पेयर को मार्केट के अंदर सेल आउट कर देते हैं।
तो आपने रेडी टू ब्रीड वाले पट्टे लेने हैं जो थोड़े से बड़े हो गए हों मगर अभी ब्रीड पर नहीं आए हों। दूसरी अहम बात, बहुत से लोग इसे कॉलोनी में लगाते हैं। देखिए दोस्तों, कॉलोनी के अंदर थोड़ी सी आसानियां भी होती हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें भी होती हैं। कॉलोनी के अंदर इतनी अच्छी ब्रीड नहीं आती जितनी अच्छी ब्रीड ये केज बाय केज के अंदर देते हैं। लोग तीन तीन चार चार मटकियाँ लगा देते हैं एक ही केज के अंदर और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी ब्रीड अच्छी आए। दोस्तों इस तरह काम नहीं होता। आप भले केज का साइज छोटा कर दीजिए मगर इनको सेपरेट सेपरेट पेयर में रखिए अपने पास और उसके बाद ब्रीड लीजिए तो ये ब्रीड आपके पास बहुत अच्छी करेंगे, तभी आपके पास छः छः आठ आठ बच्चे आएंगे। इसके बाद पॉइंट आता है कि आपने सॉफ्ट फूड ज़रूर देना है। सॉफ्ट फूड से ही इनकी ब्रीडिंग जो है वो और अच्छी होती है, इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इनकी ब्रीडिंग भी अच्छी होती है। अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं देंगे तो परिंदे के अंदर जान ही नहीं रहेगी, जब जान नहीं रहेगी तो वो आपको रिजल्ट कैसे देगा। सॉफ्ट फूड में आप सब्जियां भी दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं उबाल के, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको यूट्यूब के ऊपर ही काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके बाद बारी आती है दोस्तों मेडिसिन की। मेडिसिन आपने बिला वजह कोई भी नहीं देनी, सिर्फ आपने दो चीज़ों को रेगुलर रखना है। पहली चीज़ है कैल्शियम। कैल्शियम पी के नाम से एक सिरप आता है जो हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। आप हफ्ते में एक दफ़ा एक ढकना एक लीटर पानी में घोल के वो अपने बर्ड्स के दे दीजिए। ये रेशो है, अगर आपके पास बर्ड्स कम है तो आप उसकी मिकदार भी कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है मल्टीविटामिन। देखिए दोस्तों, ताकत के लिए हम अपने बच्चों को पिलाते हैं लाइसोविट नाम का एक सिरप आता है, वो सिरप आपने ले लेना है और एक ढकना वही एक लीटर पानी में आपने घुला के दे देना है। अगर आपके बर्ड्स कम हैं तो फिर आपने उसी हिसाब से उसकी मिकदार भी कम कर लेनी है। ये दोनों सिरप जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते, बहुत सस्ते आते हैं और एक शीशी आपकी काफ़ी टाइम चलेगी। और मेडिसिन में एक और चीज़ है जो बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो आपने सिर्फ सख्त गर्मी में लगानी है, जब गर्मी जो है वो बेतहाशा हो उसी वक्त आपने लगानी है ORS। ORS का भी यही फार्मूला है कि आपने डेढ़ लीटर पानी में एक ORS का साशे घोल लेना है और वो इनको दे देना है। और इनमें बाकी जो बीमारियां आती हैं उन सारी बीमारियों के लिए एक ही दवा है जो सबसे अच्छी है, वाइब्रामाइसिन। आप वाइब्रामाइसिन का कैप्सूल एक लीटर पानी में घुला के इनको दे दीजिए। दोस्तों वाइब्रामाइसिन आपने तभी लगानी है जब आपका बर्ड बीमार हो या तो फिर हर आप दो महीने बाद आप ये तीन दिन का कोर्स कराइए वाइब्रामाइसिन का, तो आपके बर्ड्स बीमार होंगे ही नहीं। दोस्तों बस यही चंद गिनती की चीज़ें हैं जो आप अगर इनके ऊपर फॉलो करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट इससे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो बजरी पैरोट के हवाले से, किसी भी किस्म का, किसी भी बीमारी का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इसी तरह के यूज़फुल बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।